हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे ज्ञान फॉर यू यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज दिनांक 14 मई 2019 है, तो देखते हैं आज का करंट अफेयर्स। आईटीसी ने वाईसी देवेश्वर के निधन के बाद किसको अपना नया चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया है? पहला है संजय शर्मा, या दूसरा है विजय त्यागी, या तीसरा है संजीव पुरी, या चौथा है गोपाल श्रेयस। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा संजीव पुरी। हाल ही में आईटीसी ने वाईसी देवेश्वर के निधन के बाद संजीव पुरी को अपना नया चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया है। वे अभी आईटीसी में कंपनी के एमडी के तौर पर काम कर रहे थे। उसके बाद दूसरा नंबर सवाल है, भारत के किस राज्य में हाल ही में प्रसिद्ध उत्सव त्रिशूर पूरम का आरंभ हुआ है? पहला है पंजाब, या दूसरा है केरल, या तीसरा है उत्तराखंड, या चौथा है बिहार। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा केरल। भारत के केरल राज्य में हाल ही में प्रसिद्ध उत्सव त्रिशूर पूरम का आरंभ हुआ है। इस उत्सव के उद्घाटन समारोह में लगभग 10,000 लोग शामिल हुए हैं। केरल राज्य में यह उत्सव लगातार 36 घंटे तक मनाया जाता है। उसके बाद तीसरा नंबर सवाल है, प्रसिद्ध बिरहा गायक पद्मश्री हीरालाल यादव का हाल ही में कितने वर्ष की आयु में निधन हो गया है? पहला है 72 वर्ष, दूसरा है 82 वर्ष, या तीसरा है 88 वर्ष, या चौथा है 93 वर्ष। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 93 वर्ष। प्रसिद्ध बिरहा गायक पद्मश्री हीरालाल यादव का हाल ही में 93 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। वे पिछले कुछ समय से अस्वस्थ चल रहे थे। उनके निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक प्रकट किया है। उसके बाद चौथा नंबर सवाल है, गृह मंत्रालय ने हाल ही में भारत की किस आईटी काउंसलिंग कंपनी का पंजीकरण रद्द करने की घोषणा की है? पहला है TCS, या दूसरा है विप्रो, या तीसरा है इन्फोसिस, या चौथा है गूगल। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा इन्फोसिस। गृह मंत्रालय ने हाल ही में भारत का आईटी कंपनी इन्फोसिस का पंजीकरण रद्द करने की घोषणा की है, क्योंकि इन्फोसिस पर नियमों के खिलाफ जाकर विदेशी चंदा प्राप्त करने का आरोप लगाया है। उसके बाद पांचवा नंबर सवाल है, आईपीएल 2019 का खिताब जीतकर किस टीम ने आईपीएल का खिताब सबसे अधिक 4 बार जीत लिया है? पहला है चेन्नई सुपर किंग, या दूसरा है सनराइजर हैदराबाद, या तीसरा है मुंबई इंडियंस, या चौथा है राजस्थान रॉयल्स। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा मुंबई इंडियंस। हाल ही में आईपीएल 2019 के फाइनल में मुंबई इंडियंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को 1 रन से हराकर आईपीएल 2019 का खिताब जीत लिया है। इस जीत के साथ मुंबई इंडियंस ने आईपीएल का खिताब सबसे अधिक 4 बार जीत लिया है। उसके बाद छठवां नंबर क्वेश्चन है, आईपीएल 2019 में ऑरेंज कैप जीतकर कौन सा खिलाड़ी 3 बार ऑरेंज कैप जीतने वाला पहला खिलाड़ी बन गया है? पहला है विराट कोहली, या दूसरा है ऋषभ पंत, या तीसरा है पृथ्वी शॉ, या चौथा है डेविड वार्नर। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा डेविड वार्नर। हैदराबाद के ओपनर बल्लेबाज डेविड वार्नर आईपीएल 2019 में ऑरेंज कैप जीतकर 3 बार ऑरेंज कैप जीतने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। वर्नर ने वर्ष 2015, 17 और 19 में भी सबसे अधिक रन बनाकर ऑरेंज कैप अपने नाम की है। उसके बाद सातवां नंबर सवाल है, IMF ने किस देश की सरकार को 3 वर्ष के लिए 42,000 करोड़ रुपये का बेल आउट पैकेज देने में सहमति जताई है? पहला है श्रीलंका सरकार, या दूसरा है बांग्लादेश सरकार, या तीसरा है पाकिस्तान सरकार, या चौथा है अमेरिका सरकार। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा पाकिस्तान सरकार। पाकिस्तान सरकार को आर्थिक तंगी से उभरने के लिए IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने 42,000 करोड़ रुपये का बेल आउट पैकेज देने में सहमति जताई है।
उसके बाद आठवां नंबर सवाल है, आईपीएल के फाइनल मैच में मुंबई इंडियंस के किस खिलाड़ी पर मैच फीस का 25% जुर्माना लगाया गया है? पहला है रोहित शर्मा, या दूसरा है कुंटन डीकॉक, या फिर तीसरा है किरण पोलार्ड, या चौथा है ईशान किशन। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा किरण पोलार्ड। आईपीएल के फाइनल मैच में मुंबई इंडियंस के बल्लेबाज किरण पोलार्ड पर मैच फीस का 25% जुर्माना लगाया गया है। उसके बाद नौवां नंबर सवाल है, मैनचेस्टर सिटी इंग्लिश प्रीमियर लीग का खिताब किस फुटबॉल क्लब ने लगातार दूसरी बार खिताब जीता है? पहला है मैनचेस्टर सिटी क्लब, या दूसरा है बार्सिलोना फुटबॉल क्लब, या तीसरा है एवर्टन फुटबॉल क्लब, या चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा मैनचेस्टर सिटी क्लब। मैनचेस्टर सिटी इंग्लिश प्रीमियर लीग का खिताब मैनचेस्टर सिटी क्लब ने लगातार दूसरी बार खिताब जीता है। उन्होंने दूसरी बार खिताबी मुकाबले में ब्राइटन को 4-1 से हराया है। उसके बाद लास्ट सवाल है, मैड्रिड ओपन के फाइनल में किकी बर्टेस ने सिमोना हालेप को हराकर अपना कौन सा करियर टाइटल जीता है? पहला है पांचवां, या फिर सातवां, या फिर आठवां, या फिर नौवां। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा नौवां। मैड्रिड ओपन के फाइनल में नीदरलैंड के किकी ने सिमोना हालेप को 6-4, 6-4 से हराकर अपने करियर का नौवां टाइटल जीता है और साथ ही इस वर्ष का दूसरा खिताब जीता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। इसी तरह के डेली करंट अफेयर्स, कंप्यूटर नॉलेज और जॉब न्यूज़ के लिए हमारे ज्ञान4u को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें।